हेलो एवरीवन, मैं आज आप सभी को सिखाने जा रही हूँ कि मीशो से प्रोडक्ट ऑर्डर कैसे करते हैं। तो मीशो पे प्रोडक्ट ऑर्डर करने का प्रोसेस बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मीशो पे अगर आपको कोई प्रोडक्ट सर्च करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो मीशो पे प्रोडक्ट सर्च करने के बहुत सारे तरीके हैं जो मैं आपको पहले बताती हूँ। सबसे पहला तरीका है प्रोडक्ट कोड का। तो प्रोडक्ट कोड में क्या होता है कि हर प्रोडक्ट की मीशो पर एक यूनिक प्रोडक्ट आईडी होती है। आप उस प्रोडक्ट आईडी को टाइप करके उस प्रोडक्ट को सर्च करके ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं ये प्रोडक्ट आईडी उठा लेती हूँ, मैंने इसको यहाँ पे टाइप करके सर्च किया तो ये प्रोडक्ट ये यहाँ शो हो गया। यहाँ से इसको मैं ओपन करके एड टू कार्ट कर सकती हैं। क्वांटिटी आपको जितनी भी सेलेक्ट करनी है प्लस माइनस यहाँ से कर सकते हैं। ये तो था पहला तरीका। अभी दूसरा तरीका है इमेज सर्च का। इमेज सर्च में क्या होता है कि आपको अगर किसी प्रोडक्ट की आपके पास इमेज अवेलेबल है और आप देखना चाहते हो कि मीशो पे वो अवेलेबल है या नहीं, तो आप उस प्रोडक्ट की इमेज को यहाँ पे डाल के उसको सर्च कर सकते हैं मीशो पे। ये देखिए यहाँ पे कैमरे का आइकन आया हुआ है, आप इस कैमरे के आइकन पर क्लिक कीजिए, जो भी इमेज आपको उठानी है वो उठाइए। जैसे मान लो मैंने इस सूट की इमेज उठाई है, इमेज डालते ही ये उस इमेज के जितने प्रोडक्ट अवेलेबल है, जितने भी कैटलॉग अवेलेबल है वो सब दिखा देगा आपको। यहाँ से आप जाके उस प्रोडक्ट को सेम वही प्रोसेस है ऐड टू कार्ट कीजिए और ऑर्डर कर दीजिए। अब चलिए तीसरा तरीका बताते हैं। तीसरा तरीका है यहाँ पे कैटेगरीज दी हुई है। कैटेगरीज कई जगह पे दी हुई है मीशो में, जैसे कि एक तो यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे क्लिक करके आपको जिस भी कैटेगरी में देखना है, कुर्ती देखनी है, सूट देखना है, कुर्ती सेट देखना है या और बाकी जो भी आइटम देखना, हाउस घर में काम आने वाला, बच्चों का देखना है, मेंस का, किड्स का, होम किचन, ब्यूटी एंड हेल्थ, यहाँ पे अलग अलग सेक्शन बनाए हुए हैं, आप उसमें जाके जो भी देखना आप देख सकते हैं। एक कैटेगरीज यहाँ पे भी दी हुई है आपको, इसके लिए आप यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कीजिए, वुमेन के लिए लेना है, किड्स के लिए लेना है। उसके बाद वुमेन से रिलेटेड जितनी भी कैटेगरीज है यहाँ पे आ जाएगी। आपको क्या क्या लेना है, बैंगल्स लेनी है, ब्लाउज लेने हैं, ड्रेसेस लेनी, गाउन्स, जो भी लेना है आपको उसी पे सेलेक्ट कीजिए। रेट अगर आपको डिसाइड करना है तो आप रेट भी देख सकते हैं कि मुझे इस रेट के अंडर ही देखना है, इससे ऊपर नहीं देखना है, तो यहाँ से आप रेट सेलेक्ट कर सकते हैं। साइज सेलेक्ट करना है साइज कर सकते हैं, बाकी जो भी सेलेक्ट करना हो वो सब सेलेक्ट करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए, इसमें से जो भी आपको सेलेक्ट करना हो तो कीजिए, नहीं करना तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो अगर आपको सारी कैटेगरी देखनी है तो। उसके बाद डन पे क्लिक कर दीजिए, देखिए ये फिल्टर लग गया। उसके बाद आपको इन ऑप्शन को नहीं छेड़ना है, सबसे स्टार्टिंग वाला जो है शॉर्ट का, इसमें आप कई ऑप्शन मिलते हैं जो आपके काम के होते हैं। जैसे न्यू अराइवल पे क्लिक करेंगे तो आपने जो कैटेगरी सेलेक्ट की है उसके अंदर नया जो भी स्टॉक आया होगा वो यहाँ पे शो कर देगा। ये देखिए जो भी लेटेस्ट डला हुआ है अभी वो उसी वाइज से होगा। और दूसरा ऑप्शन है मोस्ट पॉपुलर, जो सबसे ज़्यादा सेल होते हैं, और आपने जो कैटेगरी सेलेक्ट की है उसके अंदर आपको प्राइस जो है लो से लेके हाई देखना है। सबसे पहले लो आना चाहिए और फिर हाई, तो उसके लिए आपको यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में अगर देखना है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, इस ऑप्शन को। इसके बाद ये आपको लो रेट से स्टार्ट करेगा, क्योंकि मैंने इसका प्राइस यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया था 800 से अबाउट, तो ये इसलिए सबसे पहले 800 ही दिखा रहा है। चलो उसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं, हाई टू लो। तो ये वही है कि इसमें सबसे पहले सबसे हाई रेट के दिखाएंगे प्रोडक्ट, फिर लो के। अब लास्ट ऑप्शन आता है रेटिंग हाई टू लो। रेटिंग हाई टू लो को मतलब क्या होता है कि
मीशो पे क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट सेल होता है, चाहे रीसेलर सेल करता है या बंदा पर्सनल अपने यूज़ के लिए लेता है, वो डिलीवरी के बाद उससे उसका रिव्यू पूछा जाता है कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा। तो वो बंदा अपनी उसके जो एक्सपीरियंस रहे हैं वो सारे यहाँ पे शेयर करता है, जिसके अकॉर्डिंग उसको रेटिंग मिलती है उस प्रोडक्ट को। तो रेटिंग अगर 4 या 4 से अबव है तो इसका मतलब प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का रहा है, लेने वाले ज़्यादा सेटिस्फाई रहे हैं उस प्रोडक्ट से। तो आप इस चीज़, अगर आप चाहे कि हमें ट्रस्टेड ही चीज़ चाहिए जिस पे जो लोग ले चुके हैं, ताकि हम उनके रिव्यू देख सकें, ओरिजिनल प्रोडक्ट सेम था या नहीं था, वो सब चीज़ें भी चेक कर सकें, तो आप इस पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको सिर्फ वही प्रोडक्ट देखने को मिले जिन पे रिव्यू ऑलरेडी ऐड है। वो आ जाएंगे, आप उस पे क्लिक कीजिए। जैसे मान लो इस पे रेटिंग डली हुई है, आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लोगों के कमेंट्स आ जाएंगे। इसमें तो रियल इमेज नहीं डली हुई, मैं रियल इमेज का भी दिखाती हूँ आपको। वीडियो डाल, बहुत से लोग वीडियो भी डाल देते हैं प्रोडक्ट पे कि वो उन्हें कैसा मिला है डिलीवरी के टाइम, तो आप वीडियो भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए वीडियो भी है यहाँ पे, इमेज भी मिलेगी आपको, दोनों चीज़ें मिलेंगी। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये तरीका हुआ कैटेगरी वाइज सेलेक्ट करने का। एक कैटेगरी यहाँ पे भी दी हुई होती है, वो सेम ही चीज़ें हैं लेकिन वो अलग अलग जगह पे दिखाए हुए हैं। तो आप जहाँ से आपको देखना हो वहाँ से सर्च कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको सारे ऑप्शन अवेलेबल मिलेंगे कि आपको किस कैटेगरी में सर्च। एक लास्ट ऑप्शन है फोर्थ, कि आपको नाम टाइप करके भी देख सकते हो। जैसे आपको कुर्ती देखनी है, आप यहाँ पे कुर्ती टाइप कर दीजिए सिंपली, और फिर सर्च बटन पे क्लिक कर दीजिए। ये यहाँ पे सारे आ जाएंगे कुर्तीज़। फिर यहाँ से आपको अगर न्यू अराइवल देखने हैं तो न्यू अराइवल पे क्लिक कर सकते हैं, न्यू आई है। बाकी के ऊपर के ऑप्शन वही हैं जो मैं अभी आपको समझा चुकी हूँ, फिल्टर का, शॉर्ट का, वो सब वही है सारे के सारे। तो इस तरीके से, तो ये सब तरीके तो वो हुए जिसको यूज़ करके आप मीशो पर प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो। अब बात आती है कि अगर आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया है तो आप उसको ऑर्डर कैसे करें। तो उसके लिए क्या है कि जैसे मान लो आपने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है उसको ले लीजिए, मान लो मुझे ये प्रोडक्ट ऑर्डर करना है तो इसको। हाँ एक बात और बताऊँ, पहले प्रोडक्ट ऑर्डर करने से पहले मान लो बाई चांस अगर आपने कोई प्रोडक्ट देखा और आपको पसंद आ गया है, लेकिन आपने सोचा कि मैं इसको बाद में ऑर्डर करूँगी या फिर मैं किसी और को दिखाऊँ इसको कि अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, फैमिली फ्रेंड किसी का सजेशन लेना हो कि मैं ये ऑर्डर करूँ या ना करूँ, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आता है, वहाँ से शेयर कर सकते हो। जैसे यहाँ से करोगे तो आपको आएगा कि व्हाट्सएप पे शेयर करना है या जिस पे भी, तो उस पे वहाँ शेयर कर सकते हो। और या और बाकी के ऑप्शन यहाँ के लिए यहाँ जाइए अदर्स। मान लो आपको किसी को भी शेयर नहीं करना लेकिन अपने पास इमेज को सेव रखना है, तो आप डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, तो ये आ जाएगा कि इमेज डाउनलोड हो गई और वो इमेज आपके फ़ोटोज़ में आ जाएगी। फ़ोटोज़ की में जाके वहाँ पे मीशो का अपने आप फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, आप उसमें जाके देख सकते हो। तो आप वहाँ से उसको एक तरीके से आपके पास सेव हो जाएगा फोटो। अब चलिए इसको ऑर्डर कर लेते हैं, अभी ऑर्डर करना बताते हैं ऑर्डर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो प्रोडक्ट लेना है उसका यहाँ से साइज सेलेक्ट कर लीजिए, जितने भी साइज अवेलेबल है। मान लो मुझे मीडियम साइज ऑर्डर करना है, मीडियम सेलेक्ट किया, फिर उसको ऐड टू कार्ट कर दीजिए।
यहाँ देखिए, अगर आपको क्वांटिटी प्लस माइनस करना है तो वो कर सकते हो, अदरवाइज कंटिन्यू पे क्लियर कर दीजिए। एक तो ही वैसे ही होगा। अब जाइए कार्ट पे जाइए। कार्ट पे जाने के बाद यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। ऑनलाइन करना है, डेबिट क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग या यूपीआई से, या आपको कैश ऑन डिलीवरी देनी है, या पेटीएम के थ्रू करना है, वॉलेट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो पेटीएम का ऑप्शन है, ये सब जो भी आपको सेलेक्ट करना है कर लीजिए। जैसे मान लो मैंने कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए, अब ये आता है कैश टू कलेक्ट फ्रॉम कस्टमर। इसका मतलब क्या है कि वो प्राइस जो डिलीवरी के टाइम डिलीवरी बॉय को कस्टमर से लेना है, वो कस्टमर कोई भी हो सकता है, आप खुद भी हो सकते हो, या फिर आपने अगर बिजनेस पर्पस के लिए सेल किया है तो वो दूसरा बंदा भी हो सकता है जिसको आपने सेल किया है। तो अगर आपने ये प्रोडक्ट खुद के लिए मंगाया है तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस सेक्शन में आप डालोगे जो इसका ओरिजिनल प्राइस है वही डाल दोगे। जैसे 903 है तो ये आ जाएगा, मार्जिन 0 आएगा इसमें, तो वो क्या है, डिलीवरी बॉय आपसे 903 कलेक्ट करेगा। लेकिन अगर आपने ये प्रोडक्ट किसी और को सेल किया है, मान लो आपने ये 903 का था और आपने उसको 1000 में सेल कर दिया, तो आप यहाँ पे 903 नहीं बल्कि 1000 लिखेंगे। तो और ये दिखाएगा कि इस तुरंत दिखा देगा ये यहाँ पे मार्जिन यू अर्न में कि आपने इस प्रोडक्ट पे 97 अर्न किया है, और ये 97 जैसे ही आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा कस्टमर को, उसके बाद 2-3 दिन के बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये अमाउंट सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद हम पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब आती है एड्रेस की बारी। तो एड्रेस में देखिए, अगर एड्रेस आप उस एड्रेस पे आपने पहले भी सामान मंगाया हुआ है, यानी कि वो आपके इस लिस्ट में पहले से ही सेव है, तो आप उसको वहाँ पे जाके सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो ये सर्कल दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर करके सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने कोई नया एड्रेस पे मंगवाना है जो एड्रेस इस लिस्ट में नहीं है, या आप पहली बार ऑर्डर कर रहे हो, तो क्या है, यहाँ पे आएगा ऐड न्यू एड्रेस का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। इसमें अपनी सारी डिटेल भर दीजिए, कस्टमर का नेम, फ़ोन नंबर, हाउस वगैरह, ये सब डिटेल फिल कर दीजिए, और उसके बाद सेव एड्रेस का ऑप्शन आएगा, वहाँ से सेव कर देना। अब मैं पहले जो एड्रेस मेरे पास है उसी में से एक सेलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद मैं प्रोसीड पे क्लिक करती हूँ। तो ये देखिए, अब ये देगा डिटेल यहाँ पे कि अगर ताकि आप ऑर्डर फाइनल करने से पहले अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप चेक कर सके, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो सारी डिटेल, जैसे कि कस्टमर के पास रेट कितना जाएगा, मार्जिन आपको कितना होगा, आपने साइज़ क्या सेलेक्ट किया है, कितनी क्वांटिटी सेलेक्ट की है, और एड्रेस भी पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको लगे कि हाँ सारी डिटेल सही है, तो आप उसके बाद प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर सकते हैं। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद वो ऑर्डर आपका हो जाएगा। ये यहाँ पे दिखा देगा कि इसकी मैक्सिमम डिलीवरी डेट क्या है। अब आपको इस ऑर्डर को ट्रैक करना है, तो आप यहाँ ट्रैक पे जाइए, और ये देखिए यहाँ से आपको दिखा देगा कि शिप किस डेट को होगा, डिलीवरी डेट मैक्सिमम क्या है वो सब। लेकिन बाई चांस मान लीजिए आपने ये ऑर्डर कर दिया, लेकिन बाद में किसी भी कारण से आप इस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हो, ये देखिए यहाँ पे आएगा कैंसिल ऑर्डर का ऑप्शन, यहाँ पे जाइए। आपको रीज़न सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से कि किस रीज़न से कर रहे हो, तो आपको जो सूटेबल लगे उस सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने कर लिया, इट वाज टेस्ट ऑर्डर, कैंसिल प्रोडक्ट पे क्लिक कर दूँगा, तो ये आ जाएगा तुरंत कि आपका ये ऑर्डर कैंसिल हो गया। तो ये आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मीशो पे ऑर्डर कैसे करें, उस पर मेरा एक फुल ट्यूटोरियल। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी।
आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।